देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेमनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसी लापरवाही कोई होती है तो हमने क्या करा, ये आज से नहीं करा है, कोई नया आदेश नहीं आया पहले से कि भाई साहब उसको 2500 चला लो, 50 बोल लो। अब उसमें सिंपल दो तीन बातें होती हैं, अलाइनमेंट करा दीजिए, उसका खर्चा कंपनी देगी। एक तरफ टायर घिस रहा है, आप कैसे पायलट हैं, उसकी अल्टी पल्टी करा दो भाई। ये जब लापरवाही होती है, देखिए आप ही मीडिया उस टाइम बोलेंगे कि साहब क्या टायर नहीं है, तो उसका मिसयूज रोकना अपना पर्पज रहता है। और हमारा नहीं, कभी कहीं पर एम्बुलेंस के SOP होती है कि भैया ऐसे चलाना है। अब तेल का कार्ड दे रखा है 6 का 8 का, भाई एवरेज नहीं आ रहा है तो उसका कारण बताएंगे। लेकिन शोषण और वो सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, हर आदमी मेरे पास आके बोल सकता है। ये बात भी आपने ध्यान में लाई, ये भी देख लेते हैं हम किसी के साथ ऐसा जस्टिफिकेशन। लेकिन ये जवाब तो देना पड़ेगा कि टायर एक तरफ क्यों घिस रहा है, भाई साहब इसको पलट कर दो, ये गलत बोलो। कौन पलटेगा ड्राइवर? हाँ, या वो करवाएगा क्या बोलते हैं अलाइनमेंट, उसका पैसा कंपनी देती है, पंचर का दे, ये उसका दे। और पुराने वाले को जो 2 साल 1 साल हो गए हो गया, उनका इंक्रीमेंट हुआ है कि 14.5 कि 14.5, अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है किसी के। तो पीएफ वगैरह आप इन्हीं की सैलरी से करवाते हो जो आपको एम्प्लॉयर का भी और उनका भी जो आपको अपनी पार्ट देना होता है? दो पार्ट होते हैं तनख्वाह होती है, एक तो होती है CTC, दैट मीन्स कॉस्ट टू कंपनी, एक होती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में एम्प्लॉय के पार्ट से कटता है, और जब CTC बोलते हैं हम किसी को तो उसमें एम्प्लॉयर का पार्ट भी शामिल होता है। आप ये रिक्वेस्ट है भाई, एक तो आपने इतना पैसा काटा है, हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल से उत्तराखंड के रीजनल पार्टी है, ठीक है, ये हम लोग होने में दे जाएंगे। तो आप पैसे काटे हो ना, उसे उसको रिकवर कीजिए, आप जिसका पैसा आपने वसूल किया उसी तनखा से वापस कीजिए, और आइए जो है आप। क्योंकि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसे तो रोडवेज वाले काटे लग जाएंगे, कल काटते हैं सर, नहीं काटते एवरेज देता है ग्राउंड जीएम से आप। आप ये एग्जांपल बताओ, मैंने इस गाड़ी पे टायर लगाया, मुझे वो कब बदलना चाहिए, वो किस जिम्मेदारी, सड़कों की भी उसको हम कंसीडर कर रहे हैं ना, सड़कें ठीक नहीं है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो 40 से 50 बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 20 का तो दोगे, मैंने काटे जा रहे हो, और यदि उसका टायर एक ही तरफ घिस रहा है और ही इज डूइंग नथिंग, क्या करेंगे? सेवा से जुड़ी हुई आपने एक गंभीर समस्या का मामला उठाया है, क्या कुछ है इसमें? ये बहुत क्षुब्ध करने वाली बात है, बड़ा व्यथित करने वाला विषय है कि हमारे जो 108 के कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, उनकी तनख्वाहों से गाड़ी के टायरों की घिसाई काटी जा रही है। ये शोषण की पराकाष्ठा है, अन्याय का चरम है। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए कैंप के ऑफिस में, हमारी जो GM प्रोजेक्ट हैं शर्मा जी उनसे बात हुई है, और हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि इनका 2 साल का प्रोजेक्ट अभी बाकी है। हमारा साफ चेतावनी, साफ अल्टीमेटम है कि या तो आप इनका रिकवरी का पैसा वापस कीजिए, ये जो वसूली आप कर रहे हैं इसको बंद कीजिए, नहीं तो हम आने वाले 10 तारीख के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा देंगे। अभी इनको तय करना है, यदि इन्हें उत्तराखंड में काम करना है तो ये जो वसूली कर रहे हैं ड्राइवरों से, मात्र 10-12 हज़ार रुपये तो उन्हें तनख्वाह मिलती है, उसमें से भी आप टायरों की घिसाई 1500-1500 3-3 हज़ार रुपये काट दे रहे हो। या तो ये वसूली तत्काल बंद हो, जितनी रिकवरी उनकी वसूली की गई है वो वापस हो, आगे से ये व्यवस्था बंद हो, नहीं तो हम लोग इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा देंगे। क्योंकि भाई पहले अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरीके से नहीं होता, रोडवेज में ऐसा नहीं होता, जो इससे पहले जो GVK कंपनी थी वो ऐसा नहीं करती। मतलब यहाँ का आदमी अगर कुछ बोलेगा नहीं, विरोध नहीं करेगा, तो इसका मतलब आप शोषण कुछ भी शोषण करोगे क्या? तो हमने इन्हें चेतावनी दिया, अब इन्हें तय करना है, अगर इन्हें उत्तराखंड में काम करना है तो ये वसूली बंद करनी होगी, नहीं तो फिर हम इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। देखिए, हम अपनी संस्था को एक परिवार की तरह चलाते हैं, और लेकिन इसमें एक अनुशासन भी चीज़ होती है, जो
क्रांति दल वाले बोल रहे थे, मैंने उनकी बात सुनी। देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है चलाने का संस्था को या एम्बुलेंस को, जो सेमाल जी का तथ्य था। देखो, टायर की एक लाइफ होती है, कंपनी बोलती है टायर वाली कंपनी 40 से 50 हज़ार किलोमीटर चलेगी। हम ये बोल रहे हैं कि रोड कंडीशन ख़राब है भाई, 20 चले, 25 चले, और उसमें बेसिक क्या केयर करनी पड़ती है कि एक तरफ टायर घिस रहा है या अलाइनमेंट कराना है गाड़ी की। तो जिसको मैंने गाड़ी हैंडओवर कर रही है, वो भी मेरे परिवार का सदस्य, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी लाइफ। लेकिन यदि मिस हैंडलिंग होती है तो एक प्रोसेस पहले से चला आता है। पर 108 दिसंबर भौगोलिक परिस्थितियों का सामना भी करती है, तो क्या क्या लगता है कि मतलब इस तरह से जो आप थोप रहे हैं या फिर नहीं थोप बिल्कुल भी नहीं रहे, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि एक नया टायर दिया, रास्ते में पत्थर में कट लग गया, तो मैं उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर को थोड़ी दे रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, उसका टाइम टू टाइम अलाइनमेंट करना है, सेवा में सुधार, ये हमारा मेन एम होता है, उस उद्देश्य से हम काम करते हैं। ड्राइवर के साथ जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, तो कहने का आपको लगता नहीं कि गलत हो रहा है? नहीं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वही तो मैं, सैलरी से आप काट रहे हैं, ये तो गलत बात है। यदि कोई मिस हैंडलिंग कर रहा है, उसको कैसे समझाया जाए? चेतावनी दी हमने, अब हम मतलब पहले से नियम चलता आ रहा है कि भैया ये टायर की लाइफ 50,000 है। कितना पैसा काटते हैं? ये तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट फील्ड से उनकी फीडबैक पर डिपेंड करता है। कितना काटते हैं? 500 से 1,000 रुपए पर ड्राइवर का। नहीं, पर ड्राइवर नहीं, जो मिस हैंडलिंग कर रहा है उसकी। रोड पर गाड़ी चलती है और अगर टायर घिसता है तो आप ड्राइवर की सैलरी से आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिस हैंडलिंग, टायर वन साइड घिस रहा है, आप अलाइनमेंट नहीं कर रहे, जिसका पैसा कंपनी दे रही है। कर्मचारी ना ना वो नहीं, ड्राइवर नहीं, एक गाड़ी से नहीं काटे जा रहे हैं, ना वो नहीं, ड्राइवर नहीं। इस वाली की केवल पिछले महीने की लिस्ट है, ये हर महीने काटे जा रहे हैं पैसे, हर महीने। और ये जो 4,000 रुपए, अगर आप ये बताओ, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए अगर किसी ड्राइवर को मिल रहे हैं, वीडियो बना और आप 4,000 रुपए, 3,000 रुपए इस तरीके से काट रहे हो, बाइक करने बैठ रहे हैं, आदमी घर क्या ले जाए, है ना? पीएफ के पैसे, ये इनके पैसे इनकी सैलरी से कटवा देते हैं। खुद एम्प्लॉयर को जो पीएफ देना पड़ता है, जो आंसर देना पड़ता है, ये एम्प्लॉय की सैलरी से कटवा देते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए 1,500, 6,000, एक की सैलरी से 6,000 काटे हुए, एक की सैलरी से 3,400 काटे हुए, एक की सैलरी से 3,500 काटे हुए, एक की सैलरी से 3,365 रुपए काटे हुए। अरे तुम 1,000-1,200 रुपए की सैलरी में से अगर 3,000-3,000 रुपए कटवा दोगे, और ऊपर से जो पीएफ जमा करना होता है वो भी एम्प्लॉय की जेब से काट के जमा करोगे, और तो अंधेर हो रहा है ना। तो देखिए आपने हमारी ये रिपोर्ट, 108 के कार्यालय में जहां ड्राइवरों की तनख्वाह में से पैसे काटे जा रहे हैं, और यह बोल के काटे जा रहे हैं कि ड्राइवरों ने टायर को घिस दिया है। भले आप उत्तराखंड की सड़कें आप जानते हैं कि किस तरह की सड़कें हैं, किस तरह का दुर्गम क्षेत्र है उत्तराखंड, यहाँ पर भला पहाड़ों के कच्चे रास्तों में क्या टायर घिसेगा नहीं, क्या उसकी अलाइनमेंट बिगड़ेगी नहीं? हालांकि कि 108 के जो जीएम है इस समय शर्मा जी, उनका कहना है कि ये सिर्फ सेवा सुधार के लिए काटा जा रहा है, ताकि लोग नियमों में बने रहें और इस तरह की बर्बादी ना करें। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे संग, देखते रहें न्यूज़ इंडिया अपडेट।